महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किसी तरह होती। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधी भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालनी में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौसल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अशंख के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है।
छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला तीन रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पूज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौसल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौसल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती झुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौसल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालनी में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहाँ पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य चकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो,
यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभो, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जी अब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले।